नमस्कार, मैं हर नारायण, प्रवक्ता यांत्रिकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और आज हम लेक्चर सीरीज में मशीन डिजाइन के अंदर बात करेंगे डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। कपलिंग्स जैसा कि दो शाफ्ट्स को ज्वाइन करने के काम में आती है, दो एक्सियल शाफ्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम कपलिंग्स का काम में लेते हैं। फ्लेंज कपलिंग्स में फ्लेंज टाइप्स की कपलिंग्स होती है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की फ्लेंज कपलिंग्स होती है जो यहाँ दिखाई गई है। अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग और मैरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। डिजाइंस लगभग सिमिलर रहती है अनप्रोटेक्टेड टाइप और प्रोटेक्टेड टाइप की। अंतर इतना सा है कि जो पीसीडी पे जो बोल्ट्स रखते हैं दो कपलिंग्स को, दो फ्लेंजेस को ज्वाइन करने के लिए, उनमें जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, सेफ्टी कॉलर दिया जाता है, वो अनप्रोटेक्टिव में नहीं रहती है। यहाँ डायमेंशंस दी हुई है, उस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमको फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस। सबसे पहले डायमेंशंस देखते हैं। Consider a flange coupling as shown in the figure. Let d equals to diameter of shaft or inner diameter of hub. दोनों हो सकती है इसको। Diameter of shaft ले सकते हैं या फिर hub की diameter ले सकते हैं, दोनों सेम होगी। Capital D outer diameter of hub, d1 nominal और outside diameter of bolt, d1 diameter of bolt circle, n number of bolts, tf thickness of flange, ये thickness of flange है tf, tau s, tau b and tau k, ये सीरीज में रहेगी। allowable shear stress for shaft, s for shaft, bolt and key material respectively. tau s आ रहा तो shaft की shear stress, टाउ बी आ रहा तो बोल्ट मटेरियल की सीयर स्ट्रेस, और टाउ के आ रहा तो की मटेरियल की सीयर स्ट्रेस। टाउ सी अलाउबल सीयर स्ट्रेस फॉर द फ्लेंज मटेरियल इज दैट कास्ट आयरन। मोस्टली जो फॉर्मेशन रहती है फ्लेंज की वो कास्ट आयरन की रहती है, कास्टिक से बनाई जाती है। सिग्मा सी बी एंड सिग्मा सी के अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड की मटेरियल रेस्पेक्टिवली। The flange coupling is designed as discussed below. ये नीचे दिए गए जो स्टेप्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इसको डिजाइन करनी है। डिजाइन करने में हमको ये ऊपर दी हुई सारी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेसेस हमें को मटेरियल्स की प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ हब। जो हब है फ्लेंज का किस प्रकार से डिजाइन करना है। द हब इज डिजाइंड बाय कंसीडरिंग इट एज ए होलो शाफ्ट ट्रांसमिटिंग द सेम टॉर्क टी एज दैट ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट। इस प्रकार से शाफ्ट डिजाइन करते हैं, सॉलिड शाफ्ट या होलो शाफ्ट, उसी प्रकार से शाफ्ट हब को डिजाइन करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि टी टॉर्क ट्रांसमिट करना है होलो शाफ्ट को, तो टी बराबर पाई बटा 16 इंटू टाउ सी इन ब्रैकेट डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर अपॉन कैपिटल डी फोर आउटर डायमीटर। यहाँ हमने आउटर डायमीटर ऑफ हब दिया है। द आउटर डायमीटर ऑफ हब इज यूजली टेकन एज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। देयरफॉर फ्रॉम द अबव रिलेशन द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द हब मे बी चेक। सीधी सी बात है, डी डायमीटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट अगर प्रोवाइडेड है तो कैपिटल डी है। हब की जो डायमीटर है हमको उसको ट्वाइस लेना, डबल करना है। तो यहाँ हमको डी भी आ जाएगी, स्मॉल डी भी रहेगी शाफ्ट की, और यहाँ से हम टॉर्क दिया हुआ रहेगा। तो हम यहाँ से शियर स्ट्रेस, इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस पता कर सकते हैं कि हब हब के जो मटेरियल है उसमें इंड्यूस्ड स्ट्रेस कितनी पैदा होती है, और ये परमिशेबल जो स्ट्रेस है उससे कम होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ हब एल इज टेकन एज 1.5 डी। इसको सीधे से हम इस प्रकार से निकाल लेंगे कि L जो रहेगी डायमीटर की डेढ़ गुना रहेगी। सेकंड स्टेप में डिजाइन फॉर की।
The key is designed with useful proportions and then checked for shearing and crushing stresses. The material of key is usually the same as that of shaft. The length of key is taken equal to the length of hub. यहाँ हम देखेंगे कि पहले भी हमने की का की की डिजाइन हमने पढ़ ली इससे पहले, तो यहाँ जो लेंथ ऑफ की लेंगे, विड्थ और थिकनेस ऑफ की हम बात करें तो W इक्वल टू D अपॉन 4, विड्थ ऑफ की लेंगे W इक्वल्स टू, ये हम आप बता, विड्थ ऑफ की W इक्वल्स टू D अपॉन 4 हम लेंगे, और थिकनेस जो लेंगे, थिकनेस ऑफ की T बराबर D अपॉन 6 लेंगे अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर संकी है तो. L जिसने यहाँ बता रहे हैं कि L को हम डायरेक्टली हब की लेंथ के बराबर ले लेंगे, L जो है कैपिटल L के बराबर रहेगी, तो इस प्रकार से हम इसको डिजाइन कर लेंगे, तीसरे नंबर पर डिजाइन ऑफ फ्लेंज, क्योंकि फ्लेंज और हब दोनों कास्टेड रहते हैं, लेकिन डिजाइन ऑफ फ्लेंज किस प्रकार से करेंगे. द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब इज अंडर शियर विद ट्रांसमिटिंग द टॉर्क, देयरफॉर द टॉर्क ट्रांसमिटेड टी इक्वल टू, जैसा कि पता है पहले बताया शाफ्ट है, हब है और फ्लेंज सेम टॉर्क ट्रांसमिट करेगी, तो जो टी इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ हब मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज इनटू शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लेंज इनटू रेडियस ऑफ हब, सो पाई इक्वल्स टू पाई डी, सर्कमफेरेंस ऑफ हब क्या होगा पाई डी मल्टीप्लाई बाय टी एफ मल्टीप्लाई बाय टाउ सी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन टू इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन टू इंटू टाउ सी इंटू टी एफ. द थिकनेस ऑफ फ्लेंज इज यूजली टेकन एज ऑफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, देयरफॉर फ्रॉम द अबव रिलेशन द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन द फ्लेंज में बी चेक. टी एफ यहाँ लेनी है वो जो शाफ्ट की डायमीटर है डी उसका हाफ लेना है, टी एफ इक्वल्स टू डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन टू, और डी यहाँ रहेगी डायमीटर ऑफ शाफ्ट. यहां से हम जो इंड्यूस शेयरिंग स्ट्रेस है वो निकालेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे परमिशेबल शेयर स्ट्रेस के साथ, अगर वो ज्यादा है इंड्यूस शेयर स्ट्रेस तो हम क्या करेंगे यहाँ टी एफ बढ़ाएंगे या डी बढ़ाएंगे. डिजाइन ऑफ बोल्ट्स, द बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्क ट्रांसमिटेड, द नंबर ऑफ बोल्ट्स एन डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स डी वन इज टेकन एज 3D. यहाँ डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट है. वी नो दैट लोड ऑन ईच बोल्ट इक्वल्स टू पाई बटे 4 डी वन का स्क्वायर इंटू शियर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट्स, ये हम जानते हैं कि ये लोड बोल्ट्स पे ऊपर आने वाला है, तो टोटल लोड ऑन द ऑल बोल्ट्स हो जाएगा पाई बटे 4 डी वन का स्क्वायर टाउ इंटू एन. टॉर्क ट्रांसमिटेड सेम रहेगा तो टी इक्वल्स टू पाई बटे 4 डी वन का स्क्वायर टाउ बी इंटू एन इंटू डी वन अपॉन टू. फ्रॉम दिस इक्वेशन द डायमीटर ऑफ बोल्ट डी वन मे बी ऑब्टेंड. नाउ द डायमीटर ऑफ बोल्ट मे बी चेक्ड इन क्रशिंग. वी नो दैट द एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग ऑफ all the bolts is equals to n into d1 into tf and crushing strength of all bolts ye di hui hai equals to n into d1 into f or sigma cb torque ke barabar isko rakhenge. From this equation the induced crushing stress in the bolts may be checked, yahan hum isko check kar lenge. Is prakar se design of flange coupling karenge, rigid flange coupling. Thank you.